हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के अकार्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिए। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी, जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था, और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था। उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की, जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी, जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया, जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटन निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है, जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विर्चुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निर्माण विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्व्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित
करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस, ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिंगलो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, उरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर, फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर, अ यंग मेल कोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल, और इसे स्टोरी दी रियान इंगल, और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स, और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गेरशिया, और इसे स्टारिंग दी है ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मलिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डिन मॉर्गन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है जेरन प्रेजेंट, और इसे एडिट किए हैं जिम मे बॉब ड्यूक्स के, और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कॉमेडी वेरिंगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, स्वेन बक्स प्रोडक्शन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के अकार्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिए। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था, और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉर्ज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे।
डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पैटर्न निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनॉयस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालय में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के वर्चुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगेलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल्ड एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, ओरिजा फाइबर एज गैरिक, गोरिलस जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनो हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर अ यंग मेल कोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल, और इसे स्टोरी दी रियान इंगर, और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स, और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गेरशिया, और इसे स्टारिंग दी है ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मलिन अकरमैन, जेक
लिए सी जेफरी डिन मॉर्गन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जेरन प्रेजेंट, और इसे एडिट किए हैं जिम मे बॉब ड्यूक्स के, और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कॉमेडी विंगली पिक्चर, ASAP इंटरटेनमेंट, स्वेन बक्स प्रोडक्शन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 million, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 million। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिए। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था, और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटर निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्माने, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनॉयस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विर्चुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक
चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और द्रव्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस: ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्टन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल्ड एज जैमिट, विल यून ली एज एजेंट पार्क, ओरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जॉर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर, फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनो हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर, अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल और इसे स्टोरी दिए रियान इंगर और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, इराम गर्शिया और इसे स्टारिंग दिए ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मलिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जेरन प्रेजेंट और इसे एडिट किए हैं जिम मे, बॉब ड्यूक्स के और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कमेडी वेरिंगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, स्वेन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट: वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकर्ड गेम रैम्पेज की फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिया। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता
ब्यूफिलन के साथ फिर से अभिनय करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था। उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की, जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी, जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया, जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेवेन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटर निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी जी में भी की गई थी। मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है, जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था। स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विर्चुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस: ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल्ड एज जैमिट, विल यून ली एज एजेंट पार्क,
उरिजा फायर एजगेरिक गोरिलस जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पाव अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल और इसे स्टोरी दी रियान इंगल और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यू फ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, इराम गर्शिया और इसे स्टारिंग दी है ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मलिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डिन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है जेरन प्रेजेंट और इसे एडिट किए हैं जिम मे, बॉब ड्यूक्स के और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कमेडी वेरिंगली पिक्चर ए एस ए पी एंटरटेनमेंट स्वेन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने 33 मिलियन डॉलर में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज की फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिया। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ जैसे जॉर्ज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रैड पेटन निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्माने, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के वर्चुअल इफेक्ट के बारे में
जान लेते हैं, विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और द्रव्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस: ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वेडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वेडन, जोए मैंगलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज गैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन, और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल्ड एज जैमिट, विल यून ली एज एजेंट पार्क, उरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स एज द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर, फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर, अ यंग मेल कोरिला हु लाइव्स इन जीरोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल, और इसे स्टोरी दिए रियान इंगल, और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स, और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यू फ्लिन, जॉन रिकर्ड, हिराम गेरशिया, और स्टारिंग दी हैं ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मरिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं जेरन प्रेजेंट, और इसे एडिट किए हैं जिम मे, बॉब ड्यूक्स, और इसे म्यूजिक दिए एंड्रू लॉगिनकन, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लैंड पिक्चर कॉमेडी वेरिंगली पिक्चर, ASAP इंटरटेनमेंट, स्वेन बक्स प्रोडक्शन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 1 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ।
हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिए। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी, जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर के पास था, और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था। उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की, जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी, जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया, जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटर निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है, जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विर्चुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित
करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस, ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रिट वीडन, जोए मैंगेलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉनर, ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, उरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स एज द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल और इसे स्टोरी दिए रियान इंगर और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गेरशिया और इसे स्टारिंग दिए ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मरिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जेरन प्रेजेंट, इसे एडिट किए हैं जिम में बॉब ड्यूक्स के, इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कॉमेडी वेरिंगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, स्विन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज की फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिया। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्में जिन्हें मैं
देखकर बड़ा हुआ हूँ। जैसे जॉज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेवेन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटर निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्मा ने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी जी में भी की गई थी। मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विर्चुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और द्रव्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन ऑफ वार में एनिमेटेड वार्नर वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइज की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस डेवेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हैरवे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिंगलो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन, और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल्ड एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, उरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल, और इसे स्टोरी दिए रियान इंगर और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स, और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड
पेटन ब्यूफ्लिन जॉन रिकॉर्ड हिराम गेरशिया असिस्टाइंग दी हैं ड्वेन जॉनसन नोमिया हैरिस मालिन अकरमैन जेक लेशी जेफरी डिन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी हैं जेरन प्रेजेंट और इसे एडिट किए हैं जिम मे बॉब ड्यूक्स के और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यूलैंड सिनेमा एक्सेस इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड ड्यून इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड फ्लैंड पिक्चर कॉमेडी वेरिंगली पिक्चर ASAP इंटरटेनमेंट स्वेन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के अकार्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिए। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ जैसे जॉर्ज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटर निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड
ट्रेड सेंटर के डहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस: ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, उरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर, फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनो हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर, अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल और इसे स्टोरी दिए रियान इंगर और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, इराम गर्सिया और इसे स्टारिंग दिए ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मलिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जेरन प्रेजेंट और इसे एडिट किए हैं जिम मे, बॉब ड्यूक्स के और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कॉमेडी विंगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, स्वेन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट: वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज की फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिया। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर
फिल्म पर काम करने का फैसला किया, जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था, और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभिनय करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था। उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की, जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी, जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया, जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटर निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्मा ने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी जी में भी की गई थी। मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है, जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था। स्क्रीन खोलना तो चलिए फिर इस मूवी के विर्चुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइज की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस ड्वेन जॉनसन एज डेविड ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हैरवे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वेडन, जोए मैंगलिनो एज ब्यूर्क,
मार्ले सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, ओरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर, फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनो हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पाव, अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल और इसे स्टोरी दिए रियान इंगर और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स और इसकी प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, इराम गर्सिया और इसे स्टारिंग दिए ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मरिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जेरन प्रेजेंट और इसे एडिट किए हैं जिम मे, बॉब ड्यूक्स के और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कॉमेडी विंगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, स्वेन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के अकॉर्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिया। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यूफ्लिन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ जैसे जॉर्ज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रैड पेटन निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनॉयस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है।
और क्लियर लाल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को आकार में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइज की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस, ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हैरवे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन, और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल्ड एज जैमिट, विल यून ली एज एजेंट पार्क, ओरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स एज द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर, फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर, अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल, और इसे स्टोरी दिए रियान इंगल, और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स, और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यू फ्लिन, जॉन रिकर्ड, हिराम गेरशिया, और इसे स्टारिंग दिए ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मलिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं जेरन प्रेजेंट, और इसे एडिट किए हैं जिम में बॉब ड्यूक्स के, और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कमेडी वेरिंगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, स्वेन बॉक्स प्रोडक्शन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है अप्रैल 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, अप्रैल 13 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है 120 से 140 मिलियन डॉलर, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 428 मिलियन डॉलर। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें,
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में, रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिए। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी, जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था, और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था। उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की, जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी, जहां राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया, जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटर निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्माने, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है, जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइज
की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी ओर रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स, स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस: ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज गैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल्ड एज जैमिट, विल यून ली एज एजेंट पार्क, ओरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स एज द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर, फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर, अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट, अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल और इसे स्टोरी दिए रियान इंगर और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स और इसकी प्रोड्यूशन किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गर्सिया और इसे स्टारिंग दिए ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मरिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जेरन प्रेजेंट और इसे एडिट किए हैं जिम में बॉब ड्यूक्स के और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कमेडी वेरिंगली पिक्चर, ASAP एंटरटेनमेंट, स्वेन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट: वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिया। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी जहां राक्षस उत्परिवर्तन
मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ जैसे जॉर्ज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटन निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्मा ने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनॉयस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। इमारत के निवास विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्व्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नॉटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीड और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस डेविन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगेलिनो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज गैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉनर, ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, ओरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस जेसन लाइल्स एज द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनू हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिया रियान इंगल।
कार्लटन ग्यूस, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल, और इसे स्टोरी दी रियान इंगल, और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स, और इसकी प्रोड्यूस की ब्रेड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकॉर्ड, हिराम गेरशिया, और इसे स्टारिंग दी है ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मरिन अकरमैन, जेक लेसी, जेफरी डिन मॉर्गन, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है जेरन प्रेजेंट, और इसे एडिट किए हैं जिम मे, बॉब ड्यूक्स, और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यूलैंड सिनेमा, एक्सेस इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून इंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कॉमेडी वेरिंगली पिक्चर, ASAP इंटरटेनमेंट, स्विन बक्स प्रोडक्शन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम्पेज मूवी के बारे में। ये 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट, वार्नर ब्रदर्स ने $33 मिलियन में मिडवे गेम्स के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में 2009 में 1986 के ऑकार्ड गेम रैम्पेज की फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल कर लिया। इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी, जिसमें जॉन रिकॉर्ड को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उन शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया जिन्हें अपनाने का अधिकार वार्नर्स के पास था, और रैम्पेज मिलने पर अकार्ड गेम खेलने की याद आई। जून 2015 में डेविन जॉनसन न्यू लाइन और निर्माता ब्यू फिलियन के साथ फिर से अभियान करने के लिए तैयार थे, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। जॉनसन ने उल्लेख किया कि उन्हें बचपन में यह गेम बहुत पसंद था, उन्होंने पूल हॉल में अकार्ड गेम खेला और बाद में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पर इसका स्वामित्व हासिल कर लिया। एक स्क्रिप्ट की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक की पेशकश की जिसमें खेल के लिए एक वफादार कहानी भी शामिल थी, यहाँ राक्षस उत्परिवर्तन मानव थे। इससे पहले कि निर्माताओं ने रयान एंगल की स्क्रिप्ट पर फैसला किया जिसका उद्देश्य प्रेम बनाना था, मॉन्स्टर फिल्म में जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे जॉर्ज और जुरासिक पार्क को पत्र, जबकि यह स्पष्ट करता है जानवर नायक नहीं थे। डेविन जॉनसन को कास्ट किए जाने के बाद जुलाई में ब्रेड पेटन निर्देशन और निर्माण करने लगे। जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। फिल्माने, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो इलिनोइस में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में की गई थी मूल खेल में इंस्टर अंडे दिखाए गए थे, जैसे कि एनर्जीन के कार्यालयों में एक रैम्पेज अकॉर्ड मशीन है, जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिससे उसके मुक्का मारकर इमारत से बाहर निकलता है और क्लियर लॉल पोशाक पहने हुए निकल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे महिला को अकार्ड में दिखाया गया था स्क्रीन खोलना। तो चलिए फिर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटर डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए हैं थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विनक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की जो जलवायु युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर से 15,000 तक तस्वीर ली गई, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर
को कवर किया। इमारत के निर्माण विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कैंगरो भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों को अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और दुर्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। यह देखते हुए कि वेटा को किंग कॉन्ग और राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और उसके सीक्वल डॉन और वार में एनिमेटेड वार्नर बनाने के काफ़ी अनुभव था। इसके स्टूडियो को 10 साल पहले ही तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद की मिली। विनक्विस्ट मोशन कैप्चर कोच टेरी नोटरी ने जॉर्ज के रूप में अपने प्रदर्शन में जैसन लाइल्स की मदद करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ब्रेक भी लिया, जिससे अटलांटा में फिल्माया गया था। दूसरी और रॉब और लीजी एक के लिए मोशन कैप्चर की कमी के ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को चित्रित करने से रोक दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीड और पंख है। अन्य VFX कंपनियों जैसे हाइड्रोलिक्स स्कैनलाइन VFX और UPB ने फिल्म में योगदान दिया। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमंस: ड्वेन जॉनसन एज डेविज ओकियो, नोमिया हैरिस एज कैथरीन कैट, मलिक एकरमैन एज क्लेरा वीडन, जेफरी डीन मॉर्गन एज हार्वे रोजेल, जैक ग्लेसी एज ब्रेट वीडन, जोए मैंगलिंगलो एज ब्यूर्क, मार्ली सेल्डन एज कैरी एटकिंस, पीजे बायरन एज नेल्सन, डिमेट्रियस ग्रोस एज क्लोनल ब्लैक, जैक क्यूड एज कॉन और ब्रिन हिल एज एमी, मैट गेरेल एज जैमिट, विल यून ली एज एजन पार्क, ओरिजा फायबर एज गैरिक, गोरिलस, जेसन लाइल्स द मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस जॉर्ज जोर्ज, स्काई नोटरी एज विली नोटरी एज द मोशन कैप्चर ऑफ पियर फीमेल गोरिलस कॉल्ड फेमी एंड इनो हु वाज आल्सो लाइव इन ग्रोज हैबिटेट, विंसेंट रॉक्सबर्ग एज द मोशन कैप्चर ऑफ पावर अ यंग मेल गोरिला हु लाइव्स इन ग्रोज हैबिटेट अनक्रेडिटेड। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया ब्रैड पेटन और इसे स्क्रीन पर दिए रियान इंगर, कार्लटन ग्यूज, रियान जे कॉन्डल, एडम स्टीगल और इसे स्टोरी दिए रियान इंगर और इसे बेस्ड ऑन रैम्पेज बाय मिडवेज गेम्स और इसे प्रोड्यूस किए ब्रैड पेटन, ब्यूफ्लिन, जॉन रिकर्ड, हिराम गार्सिया और इसे स्टारिंग दिए ड्वेन जॉनसन, नोमिया हैरिस, मलिन अकरमैन, जैक लेसी, जेफरी डीन मॉर्गन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जेरन प्रेजेंट और इसे एडिट किए हैं जिम में बॉब ड्यूक्स के और इसे म्यूजिक दिए एंड्रयू लॉगिनकन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, एक्सेस एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, ड्यून एंटरटेनमेंट अनक्रेडिटेड, फ्लाइंग पिक्चर कॉमेडी वेरिंगली पिक्चर ASAP एंटरटेनमेंट स्वेन बक्स प्रोडक्शन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है April 4, 2018 माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, April 13, 2018 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 107 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $120 से $140 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $428 मिलियन। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर में रिश्तेदारों के साथ।